योगेन चित्ता शपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोष्मि। एक बार महर्षि पतंजलि को नमन वंदन करते हैं, जिसने योग को एक नई ऊंचाई, एक नई चेतना, एक नई दिशा देकर के पूरे संसार को योग में बनाने का एक संदेश दिया, और उसी संदेश को आज योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे दुनिया को, पूरे लोगों के बीच में, पूरे गांवों में, घर घर में संदेश दे रहे हैं। चाहे वह आशा चैनल हो, चाहे वह संस्कार चैनल हो, चाहे हमारे और आपके माध्यम से गांव गांव में सीधे लाइव टेलीकास्ट कराते हुए सबके बीच में योग प्राणायाम का आनंद लेंगे। तो आइए आज हम सभी असम राज्य के कामरूप कामाख्या जिले के मकेली गांव में बैठ करके योग शिविर का आनंद ले रहे हैं। अब हम लोग कपाल भाती का आनंद लेंगे। कपाल भाती कैसे करना है, कपाल भाती करने से क्या लाभ मिलेगा, और कपाल भाती कितने देर तक करना है, किन किन बीमारियों में नहीं करना है, और किन किन बीमारियों में कैसे स्ट्रोक लगाना है, तो आइए हम सभी कपाल भाती के विधि, उसके लाभ, उसकी सावधानियों के बारे में चर्चा करते हुए हम ध्यानात्मक रूप में कपाल भाती का आनंद लेंगे। कपाल भाती का आप सभी नाम सुने हैं कि नहीं? कपाल भाती बहुत बढ़िया। कपाल भाती का मतलब होता है कि कपाल मतलब ये मुखमंडल पूरा आपका हमारा फेस, और भाती मतलब चमक, ओज तेज उस पे आ जाए। तो जिस अभ्यास को करने से मुखमंडल पे ओज तेज आ जाए, उसके भीतर के विकार निकलने शुरू हो जाए, उसके भीतर के जितनी भी व्याधियां हैं दूर होने लगे, तो समझिए कि कपाल भाती का हमारे ऊपर सही तरीके से उसका असर और उसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। तो बैठ जाते हैं उसी मुद्रा में जैसे हम बैठे हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आसन में बैठना है, जिसको जैसी अनुकूलता है। अब कोई बुजुर्ग है तो इसमें बैठते हैं तो पैरों में झंझनाहट आ जाती है, तो बीच बीच में आप पैरों को ना खोल सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। खोल लीजिए पैर, थोड़ा खोल लीजिए एक बार। तो पैर खोल लेंगे तो हमारे शरीर के पैर खोल लीजिए, पैर जब खोल लेंगे सांसों के द्वारा पैर को ऊपर नीचे कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम, तो पैरों को मोड़ लेंगे एक बार दो बार तो ब्लड सर्कुलेशन वो क्या आता है ना नॉर्मल हो जाता है। तो हमारे अंदर जो भी इसमें ब्लॉकेज आ रहा था या जो भी ना रुकावट आ रही थी वो धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक हो गया आप लोग का? अब पुनः बैठ जाइए आसन में। अब सीधे देखिए कमर को कभी, पीठ को, मेरुदंड को कभी झुका के नहीं रखी। इसमें ना अष्ट चक्रों का स्थान होता है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्रों का, वो भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विधान है। तो मैं उस विधान में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अभी रोगों से कैसे हमें मुक्ति मिले और हम लोग कभी भूल कर के भी डॉक्टर के यहाँ जाने का कोई नौबत ना आए, कभी कोई समय ना आए, कभी कोई दवा ना खाए। दवा खाना, बीमार होना, बीमारियों से ग्रसित होना, ये हमारे जीवन को कलंकित करता है। कट कर दीजिए।